सरकार न्याय में विश्वास रखती है और न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। बोली सरकार जांच करेगी, उसमें जो भी दोषी पाए उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये तय तो तब करने की बारी आएगी न जब बिहार की जनता भाजपा को मौका दे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार सरकार में वित्त विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी एक दिवसीय दौरे पर नालंदा जिला पहुंचे और वहां जाकर जितने भी सर्किट हाउस में जदयू के कार्यकर्ताओं काम करते हैं उनसे मिले और मुलाकात। इसके बाद जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को लेकर सीएम उम्मीदवार का बात कहा और कहा कि काबिल हैं, उसको लेकर उन्हें कहा कि सम्राट चौधरी और भाजपा वाले क्यों परेशान हैं, यहाँ उन्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देगी, तो आखिर इन लोग परेशान क्यों हैं, सीएम फेस के लिए ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से सासाराम में सम्राट चौधरी पूर्व विधायक जो भाजपा से हैं उनके लिए प्रदर्शन कर, उसको लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं ना किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं, और भी क्या कुछ कह रहे विजय कुमार चौधरी, आप इस वीडियो को पूरा देखें। सरकार की खासियत है और मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के नेता के रूप में अनेक बार कह चुके हैं कि हम लोगों की सरकार न्याय में विश्वास रखती है और न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। सही काम करने से उससे किन्हीं का पक्ष विपक्ष हो जाता है तो उसको तो अपने अंदर झांकना चाहिए। इसमें सरकार के नीति की तो कोई खामी है नहीं जो सरकार दूर करे। बोली सरकार जांच करेगी, उसमें जो भी दोषी पाए उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसमें तो अगर कोई व्यक्ति निर्दोष या कोई व्यक्ति दोषी तो प्रमाण के साथ अधिकारियों को देना चाहिए, हम लोगों को भी दे देते जांच करा। इसमें एक तरफा अपने मन से किसी को निर्दोष किसी को दोषी घोषित नहीं करना चाहिए। अच्छा, गिरिराज भी लगवाया है कल पटना में, कहे कि बिहार इनका नाम लिए है उनसे पूछिए, जो लिए है उनसे पूछिए। इसमें हम लोगों को क्या है, हम लोग को तो इतने पता है कि भाजपा को ये परेशानी नहीं होने वाली है। जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय तो तब करने की बारी आएगी ना जब बिहार की जनता भाजपा को मौका देगी। हम लोगों को तो मालूम है कि बिहार की जनता मौका ही नहीं देने जा रही है। नाम तय करने में नेता अनावश्यक परेशान। तो आपने साफ तौर पर विजय कुमार चौधरी का वो बयान सुना जिसमें वो भाजपा पे कहीं ना कहीं हमलावर तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ सीएम का बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को कोई बिहार की जनता वोट नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सासाराम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुँचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के शीर्ष नेता हैं और नीतीश कुमार के सरकार में और नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि निर्दोष को सजा दिया गया तो वो साक्ष्य के साथ साबित कर दे, उस पर कार्रवाई भी होगी। और जिस तरीके से सासाराम में जो हिंसा हुआ था उसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है और अब बिहार की राजनीति में ये चर्चा सबसे तेज है कि गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के तरफ से सीएम उम्मीदवार बताया 2025 में। वैसे में विजय कुमार चौधरी इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किए और खूब सुनाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।